हेलो स्टूडेंट, तो मैं एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज का जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा इसमें थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो हमको आज पढ़ना है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सीमेंट पढ़ लिया है, सॉरी ये सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था इसमें क्या पढ़ा है? सीमेंट पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ लिया है, एग्रीगेट पढ़ लिया है और टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पढ़ लिया है। ठीक है, इन सब के बारे में क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि नीलाओं के जो गुण होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक करके देखते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर टू, चैप्टर टू क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर टू, या फिर इसको बोल देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट, या फिर बोल देते हैं इसको इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कि एग्रीगेट। ठीक है, आपकी बुक में दिया है इंग्रेडिएंट्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें देखते हैं हमारा कौन कौन से गुण होते हैं जो एग्रीगेट में होने चाहिए। ठीक है, जो एग्रीगेट में हमारे होते हैं, मिलावे में जो हमारे गुण होते हैं, देखते हैं उनको एक एक करके। तो जो पहला हमारा है वो है संगठन, मतलब कि कंपोजिशन। कंपोजिशन ठीक है, कंपोजिशन मतलब ये एग्रीगेट हमारा बनता कैसे है, कौन कौन से मटेरियल्स इसमें उपयोग होते हैं, तो ये हमारे कंपोनेंट्स मतलब कंपोजिशंस होते हैं। सेकंड जो हमारा इसमें जो हमारा गुण है इसे वो है हमारा शेप। ठीक है, आकार, किस शेप का हमारा एग्रीगेट होना चाहिए। थर्ड जो है वो हमारा साइज, ठीक है, किस आकृति का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा, फिफ्थ जो है हमारा वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, सिक्स जो है वो वाइट्स है, सेवन जो है वो बल्क डेंसिटी है। ठीक है, ये हमारे सात हो गए, और जो इसमें आठवां जो हमारा वो क्या है, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी। नाइन्थ जो है हमारा वो है बल्किंग ऑफ सैंड्स, बल्किंग ऑफ सैंड्स। टेन जो है वो डेलिटेरियस मटेरियल, डेलिटेरियस मटेरियल। ठीक है, इलेवन जो है इसी प्रकार हमारा वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ, ऐसे हमारे दो तीन पॉइंट और हैं। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे जो कंक्रीट के गुण होते हैं, तो ये सब हमारे होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारा ये कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, और शेप किस प्रकार होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, सरफेस स्ट्रक्चर, जो सरफेस स्ट्रक्चर हमारा, सरफेस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम हिंदी में,
कि सतही गठन कैसा होना चाहिए इसका हमारा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, वाइड्स रंध्र कितने होने चाहिए, कैसे होता है, और बल्क डेंसिटी हमारा क्या होता है, स्थूल घनत्व जो होता है। उसके बाद पोरोसिटी, संरंध्रता क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, डेलिटेरियस मटेरियल्स इसमें कितने होते हैं, कितने होने चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो इसमें आता है संघट्ट प्रतिरोध, मतलब कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि हाँ रेजिस्टेंस जो होते हैं इसमें, और एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक करके। पहला जो हमारा वो है कंपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट जो इसमें है वो है कंपोजिशन, मतलब कि संगठन, ठीक है, संगठन ये, ठीक है। इसमें क्या मिलावा जो हमारा प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो मिलावा हमारा प्राप्त होता है चट्टानों से, ठीक है। चट्टान मिलावा जो प्राप्ति स्रोत होता है वो हमारी चट्टानें होती है, और मिलावे का जो संगठन इन होता है, ठीक है, तो कंपोजिशन मिलावे का होता है, ये इन्हीं जो चट्टानों से प्राप्त होता है, इन्हीं का जो होता है मिलावा संगठन रूप होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया संगठन, ठीक है। मिलावे की रचना जो है उत्तम खनिजों से होनी चाहिए, जो मिलावे हमारे होते हैं इनका जो संगठन होता है वो उत्तम खनिज वाले, ठीक है, जो चट्टान होते हैं उनसे होना चाहिए। अगर उत्तम खनिज वाले चट्टान नहीं है तो उनका प्रयोग हम कंक्रीटिंग कार्यों में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा फर्स्ट कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड जो इसमें हमने क्या लिखा था, सेकंड जो लिखा था वो था शेप। शेप में डिटेल के बारे में हम आपको नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में, ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका हमने प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि शेप कैसे होते हैं। वैसे जनरली हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कौन कौन से जो शेप पार्टिकल, जो शेप होते हैं पार्टिकल के एग्रीगेट के, वो कैसे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल जो हमारा ये जनरली चार शेप के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है राउंडेड शेप, राउंडेड शेप का होता है। सेकंड जो हमारा इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा होता है वो एंगुलर शेप का होता है, और फोर्थ जो हमारा होता है ये फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, ठीक है, शेप का होता है, मतलब कि गोलीय होता है, इरेगुलर अनियमित शेप का होता है, आकृति का होता है, एंगुलर कोणीय आकृति का होता है, फ्लैकी मतलब कि पतला और लंबा शेप का होता है हमारा जो कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा आता है वो है साइज, ठीक है। साइज को भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि ओवरव्यू, कि जो साइज हमारा किस साइज के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जो साइज के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ये जनरली दो साइज के एग्रीगेट, दो प्रकार के एग्रीगेट हमारे होते हैं। पहला फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, और दूसरा जो है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट की साइज जो हमारी होती है वो 4.75 से अगर mm से कम है तो हमारी फाइन एग्रीगेट कही जाएगी, अगर 4.75 mm से अधिक है तो ये क्या कही जाएगी, हमारी कोर्स एग्रीगेट कही जाएगी। ये हमारा हो गया साइज के बारे में, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो क्या हमारा सरफेस टेक्सचर, मतलब कि सतही गठन। सरफेस टेक्सचर मतलब कि सतही गठन, जो इसके सतह की बनावट होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए, इसमें हम जानते हैं कि सरफेस स्ट्रक्चर में वो किस प्रकार होनी चाहिए। जो मिलावे का सतही गठन होता है उसके ऊपरी सतह की जो प्राकृतिक, जो प्रकृति की माप है, ठीक है, मिलावे का सतही गठन उसके ऊपरी सतह की प्रकृति की माप है, ठीक है। मिलावा किस प्रकृति का है, इसका इसकी माप
उसके सतही गठन से ही किया जाता है। ठीक है, मिलावट किस माप का, किस प्रकृति का है, उसका सतही गठन मतलब उसके सतह को देखकर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो हमारा क्या है, राउंडेड है कि रेगुलर है कि एंगुलर है कि इलांगेटेड है फ्लैकी है। ठीक है, इन सब के बारे में क्या करते हैं हम इसमें सरफेस टेक्सचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सतही गठन के आधार पर जो मिलावट को बांटा गया वो क्या किस किस पार्ट में बांटा गया वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा इसमें वो क्या स्मूथ, मतलब कि जो हमारा एग्रीगेट होता है वो क्या स्मूथ होना चाहिए, मतलब कि चिकना होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, स्मूथ हो गया, खुरदुरा मतलब कि ग्रैनुलर। ठीक है, ग्रैनुलर हमारा हो गया, सॉरी रफ ये हो गया, खुरदुरा मतलब रफ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा वो क्या है दानेदार, मतलब कि ग्रैनुलर हो गया। ठीक है, और जो चौथा हमारा हो गया, तीन ये हो गया और जो चौथा इसमें आता है वो हमारा है रवेदार, मतलब कि क्रिस्टलाइन जो शेप के होते हैं रवेदार। ठीक है, पांचवा जो इसमें आता है वो हमारा पोरस रंध्रमय, जिसमें क्या होते हैं वाइट्स की मात्रा अधिक होती है वो हमें हमारे पोरस या रंध्रमय कहे जाते हैं। उसका जो हमारा ये पोरस हो गया और जो नेक्स्ट हमारा होता है छठवां ये कांचित होते हैं, ठीक ग्लासी कहते हैं जिसको। तो ये सरफेस टेक्सचर के आधार पर मतलब सतही गठन के आधार पर एग्रीगेट को इतने पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हम नेक्स्ट देख लेते हैं पाँचवा जो हमारा पॉइंट था। ठीक है, वो पाँचवा जो हमारा पॉइंट था वो है वाइट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं वाइट्स, वाइट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पांचवा जो होता है वो है वाइट्स। वाइट्स मतलब क्या होता है हमारा रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान कंक्रीट जैसे क्या हुआ, ये हमारा कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट में ये हमारे एग्रीगेट हैं। इसमें जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन्हें को हम क्या बोल देते हैं, इन्हें को वाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम एक फार्मूला है उसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जो कि फार्मूला है 1 माइनस स्थूल घनत्व। ठीक है, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इससे क्या करते हैं हम वाइट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम कि मिलावे के कणों के बीच। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट मतलब मिला हो गया, मिलावे के कणों के बीच में आप देख रहे हैं कि एक ये हो गया, ठीक है, एक ये मिलाया हो गया, एक ये मिलाया हो गया, तो इसके जो कणों के बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसे क्या हम बोल देते हैं, इसको हम वाइट्स बोल देते हैं, रिक्त स्थान बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारा रिक्त स्थान वाइट्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पांचवा जो सॉरी छठवां जो पॉइंट इसमें आता है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मतलब कि विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व हमारा क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो मिलावे का विशिष्ट गुरुत्व कंक्रीट मिक्स डिजाइन की गणनाओं के क्या कहते हैं उपयोग में उपयोग किया जाता है। जो इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है क्या करना, हमें कंक्रीट का जो है मिक्स डिजाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का वहाँ पे यूज करते हैं कि देखते हैं कि इस एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, उसी हिसाब से क्या करते हैं उसमें एग्रीगेट को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो सामान्य मिलावे होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हमारी 2.6 से। ठीक है, तो सामान्य मिलावे होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 के बीच में
रखी जाती है। ठीक है, अब ये हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कि स्थूल विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, हिंदी क्या है इसका, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व। और जो सेकंड हमारे इसमें आता है वह एपरेंट, एपरेंट या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको क्या बोल देते हैं, आभासी। ठीक है, आभासी विशिष्ट गुरुत्व, आभासी विशिष्ट गुरुत्व। अब हम एक करके देखते हैं कि हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मतलब कि अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है इसमें जो होता है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व, ये क्या होता है जो मिलावे का शुष्क भार होता है। ठीक है, मिलावे को क्या करते हैं, ओवन होता है। ओवन में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, हम देखते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मिलावे का 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर भार, मतलब कि इतने पर गर्म करने पर इसका जो सूखा भार, ठीक है, शुष्क भार जो इसका आता है, पर शुष्क भार अपॉन में क्या होता है कि जो हमारा मिलावे का रंध्रों सहित, ठीक है, मिलावे का कुल भार बोल सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट का एग्रीगेट का कुल भार, कुल भार मतलब क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, ये कुछ मिलावा रखा हुआ, ठीक है, मिलावा में कुछ क्या होगा हमारा, वाइट्स भी होंगे, ठीक है, वाइट्स होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ। तो ये जो हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मिलावे को 100 से 110 डिग्री ताप पर, सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जो शुष्क भार आता है, शुष्क भार बटे मिलावे का कुल भार, मतलब कि इसको एक तरह से लिख सकते हैं मिलावे का रंध्र रहित, मतलब कि वाइट्स सहित, सॉरी रंध्र सहित भार जो होता है उसको डिवाइड करेंगे शुष्क भार को। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। सीधा सीधा फंडा ये है कि इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम कि शुष्क भार अपॉन में मिलावे का रंध्र सहित भार, सहित भार। ठीक है, ये हमारा होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारा हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, हमारा 100 से 110, ठीक है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो शुष्क भार हमारा प्राप्त होता है एग्रीगेट का, उसमें जब क्या करते हैं हम मिलावे के रंध्र रहित, ठीक है, उसमें क्या था, रंध्र सहित मिलावे, सॉरी का रंध्र रहित भार। ठीक है, रंध्र रहित भार मतलब क्या है कि जो हमने क्या देखा था बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में, हमने क्या देखा कि शुष्क भार अपॉन में क्या देखा था, मिलावे का रंध्र सहित, मतलब कि टोटल वॉल्यूम, मतलब कि टोटल वेट। ठीक है, सॉरी ये वेट नहीं रहा,
ये होता हमारा आयतन। ठीक, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है W अपॉन में V, मतलब कि वेट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसके पहले वाले में भी जो हमने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा था उसमें क्या देखा था, शुष्क भार अपॉन मिलावे का रंध्र सहित भार, मतलब कि सॉरी रंध्र सहित आयतन, मतलब कि जो देखा था हमने उसमें टोटल क्या था, वॉल्यूम था किसका, मिलावे का, और इसमें क्या है, रंध्र रहित आयतन है। ठीक है, रंध्र रहित आयतन मतलब कि इसमें जो रंध्र जो वाइट्स हैं उनको माइनस करके फिर हम इसको शुष्क भार को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मिलता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा वो बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, मतलब कि स्थूल घनत्व। ठीक है, स्थूल घनत्व क्या होता है, ये क्या बताता है हमें कि कंक्रीट कितना घना है। ठीक है, एग्रीगेट जो है वो हमारा कितना घना है, इसी को हम क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जो विशिष्ट गुरुत्वता यह बताती है कि मतलब कि मिश्रण बालू सीमेंट द्वारा भरे रिक्त स्थान कम है, लेकिन जो ये हमारा स्थूल घनत्व जो बताता है, ये बताता है कि मिलावा कितना घना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बल्क डेंसिटी। और एक चीज़ देख लेते हैं, स्थूल घनत्व की जो आवश्यकता भार आधारित अनुपातों को आयतन आधारित अनुपातों में बदलने हेतु भी पड़ती है। ठीक है, जो स्थूल घनत्व की आवश्यकता, बल्क डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ये इसकी आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, जब क्या होता है कि भार आधारित अनुपात होते हैं। ठीक है, वेट पर आधारित क्या होते हैं, भार आधारित अनुपात को क्या करता है, ये कन्वर्ट किस में करता है। ठीक है, ये भार आधारित अनुपात को किस में कन्वर्ट करता है, कि आयतन आधारित। ठीक है, आयतन आधारित अनुपात में, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है। ये हमारा हो गया बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी के बाद हम देख लेते हैं कि सरफेस मॉइस्चर एक जो हमारा होता है। ठीक है, सरफेस मॉइस्चर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरफेस मॉइस्चर, ये हमने आपको उसमें लिखाया नहीं था, लेकिन ये है कि सरफेस मॉइस्चर क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं कि सरफेस मॉइस्चर मतलब कि सतह नमी, सतही नमी बोल सकते हैं इसको, जो हमारा कंक्रीट कहीं पे कहीं ना कहीं पे तो रखा रहेगा ज़रूर, जब साइट पर हम जाएंगे काम करने तो कंक्रीट हमारे ज़मीन पर ही रखा रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो सतह से जो नमी होती है, इसमें किसमें, एग्रीगेट में जो हमारी नमी होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस मॉइस्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस मॉइस्चर, सतह नमी को संतृप्त सतह शुष्क मिलावे के भार के प्रतिशतता के में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो इसमें क्या होता है, एग्रीगेट जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, सतह नमी का निकालना बहुत ही आवश्यक होता है किसमें, एग्रीगेट में, क्योंकि कंक्रीट की किसी भी बैच, मतलब कि बैच मतलब क्या होता है, घान, एक घान में क्या होता है कितना कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुल जल सीमेंट अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो सरफेस मॉइस्चर होता है कंक्रीट एग्रीगेट में, वो हमें ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम वहाँ से क्या फाइंड कर पाएंगे कि डब्ल्यू सी रेशियो कितना में वाटर सीमेंट में मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।